दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। आज की कहानी होने वाली है पड़ोसन का बर्तन। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार एक औरत ने अपनी पड़ोसन से एक बर्तन उधार मांगा और दूसरे दिन उसने एक अन्य छोटे बर्तन के साथ वह बर्तन वापस कर दिया। पड़ोसन को आश्चर्य हुआ, उसने पूछा कि यह छोटा बर्तन कहाँ से आया। औरत ने जवाब दिया, तुम्हारे बड़े बर्तन ने छोटे बर्तन को जन्म दिया है। उस औरत ने सोचा कि उसकी पड़ोसन का दिमाग घूम गया है। उसने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह एक और बर्तन पाकर बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद पड़ोसन बर्तन फिर उधार मांगने आई, मगर इस बार उसने बर्तन अपने पड़ोसन को वापस नहीं किया। सहेली के बर्तन वापस मांगने पर उसने कहा, बर्तन तुम्हारा बर्तन मर गया। पड़ोसन ने हंसकर उससे पूछा कि बर्तन कैसे मर सकता है। इस पर उस औरत ने बड़ी चतुराई से कहा, अगर तुम्हारा बर्तन दूसरे बर्तन को जन्म दे सकता है तो मर भी सकता है। यह सुनकर पड़ोसन दंग रह गई, मगर अब उस पड़ोसन के पास बर्तन को खो देने के अलावा कोई दूसरा चुनाव नहीं था। आज की इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अनेकों बार हम छोटे से लाभ के लिए अपने आप को मुसीबतों में डाल देते हैं। अतः हमें तात्कालीन लाभ नहीं देखते हुए किसी विषय पर विस्तार पूर्वक सोचना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। हमें छोटा लाभ हो रहा है तो उसको वहीं पे कंट्रोल करना सीखे, ज़्यादा लालच में ना फंसे। तो आज की कहानी यही है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल सक्सेसफुल कहानी लेके आते हैं और सक्सेस के मुताबिक ही कहानी आपको सुनाई जाती है। अन्य किसी प्रकार की कहानी नहीं सुनाई जाती, जहाँ पे सभी लोग आसान तरीके से बैठ के कहानी सुन सकते हैं। पढ़ने की बजाय आप अपने मोबाइल के द्वारा ये कहानियाँ सुनते हैं तो आपकी टाइम की बचत होती है। कोई काम करते हुए आसान तरीके से कहानी सुन सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आप अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में।